हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। मेरे चैनल शॉर्ट एंड सिंपल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा मस्त मेथड जिससे क्या ना आपके को नोट्स वगैरह कुछ भी है जिनको आप चाहते हो कि भाई ये एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जब भी कुछ चाहूँ एडिट कर सकूँ या कुछ दिन में फिर बदल कर सकूँ तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वो है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एमएस ऑफिस, या आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मुझे दिखा रहा है ओपन, वरना आपको दिखाएगा इंस्टॉल। अब जैसे इसको ओपन करोगे ये इंस्टॉल होके और ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपकी ना। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने जैसे करा ये रहा एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो चुका, ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये प्लस साइन दबाना है। अब इसे तीन फॉर्मेट आ गए, नोट्स, लेंस और डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट में जाओगे तो ये आ गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी फिलहाल तो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं वर्ड को कैसे करेंगे, अगले में देखते हैं एम एस एक्सेल और उस अगले में पावर पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम देख रहे हैं वर्ड को। तो वर्ड में आपको जाना है स्कैन टेस्ट में। तो उसकी जैसे स्कैन टेस्ट जाओगे फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा। तो दोस्तों आप एक बात याद रखो, जितनी साफ फोटो आप खींचोगे ना उतना ही बढ़िया आपका आउटपुट आएगा, यानी एरर फ्री। ठीक है, तो कोशिश यही रखो कि भाई आपकी फ़ोटो साफ से साफ आए। तो उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ कि भाई इसका जो एमएस ऑफिस में जो कैमरा खुल रहा है ना, इसमें तो उतनी साफ आएगी नहीं, ब्लर वगैरह फोटो आएगी। इसलिए आप क्या करो, अपने नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से ही पहले खींच रख लो। देखो नीचे फोटो आ रही ना, ये मैंने पहले खींच रख रखी है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें थोड़ी ब्लर आती है, ये सॉफ्टवेयर की कमी है कुछ भी मान लो, पता नहीं। तो आप इसे नीचे सेलेक्ट है ना, इन्हें रखी है, अब मैं सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ये ऐड करके आगे कर देता हूँ। अब जैसे आगे करी तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग में अपना टाइम लेगी, ठीक है। उस पर देखो ये फोटो थी और ये फोटो थी, आपने पहले वीडियो में देख लिया, यही मैं कर रहा था, ठीक है। अब हमें इसको करना है क्रॉप, और क्रॉप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बस वही डाटा रखो जो आपको कन्वर्ट करना है, फालतू को मत रखो। क्योंकि फालतू को रखोगे फिर वो जो आपका आउटपुट आएगा ना एमएस वर्ड में, उसमें एरर आएगा, फिर आपकी वही परेशानी फालतू की बनी रहेगी, उसको फायदा नहीं कोई। तो मैं मेरे को इतना ही करना है डाटा कन्वर्ट, तो मैंने क्या करा भाई, उतना ही अपना क्रॉप करके और कंफर्म कर दिया। तो हाँ भाई ये सही है ना, अब कर दो आप ये डन। तो जैसे डन करोगे तो भाई सॉफ्टवेयर कुछ जो भी है 5-10 सेकंड अपने लेता है उसको कन्वर्ट करने में, तो उतना तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस 5-10 सेकंड के इंतजार से और क्या है ना, आधा एक घंटे की मेहनत बच रही है। तो मेरा तो ये कहना है आपको कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सब्र रख लो। और ये देखो कन्वर्टिंग टू वर्ड दिखा रहा है, अब कन्वर्टिंग टू वर्ड दिखा रहा है। तो उसके बाद आप ये देखो एम एस ऑफिस दिखा रहा है और ये वर्ड का ये है ही इसका, ये दिखा रहा है। तो उसके बाद अभी देखो ये ओपनिंग डॉक्यूमेंट फोर इसमें दिखा रहा है, मैंने तीन पहले ही खोल रखे हैं और अभी चौथा मैंने आप सेव करा है। तो अभी आप इसको देखोगे तो अपना आप इसको इसने कर दिया कन्वर्ट। अब ये ऊपर है, ये तो है पूरा डाटा, ठीक है, और ये जो नीचे थी वो जो फोटो थी वो है पूरी। तो अगर आप मिलाना चाहो तो मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर देख लेना, ये बिल्कुल डिटो वही है, एक्सेप्ट 0.1% कुछ एरर हो। तो जैसे कि आप ये देख लो, एक ये आया है महाराष्ट्र एंड तमिल होगा मेरे ख्याल से ना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसमें तमिलनाडु ही है कुछ, एक वर्ड है तमिलनाडु, वो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई है, बाकी 99.99% बिल्कुल सही कन्वर्ट करके दिया इसने। तो भाई अगर 1-8% आपको अपने हाथ से भी एडिट करना पड़े तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बाकी काम तो बच ही रहा आपका, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल तो बेस्ट है। इसके अलावा इसमें बस एक ये दिक्कत है कि ये हिंदी वाली जो डॉक्यूमेंट है ना वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो कोई नहीं, उसके लिए मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पर हो जिससे भाई बात बन जाए और हिंदी वाला भी कन्वर्ट हो जाए, तो वीडियो भी जल्दी लाऊंगा आपके लिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और हमारे भाइयों का भी फायदा हो सके, ठीक है ना। और थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही बताना था। ओके।